गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 2nd of November 2022। ये जो वीक है फुल ऑफ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। आज FOMC रेट डिसीजंस, कल BOE एंड ऑल्सो RBI का स्पेशल मीट, देन फ्राइडे को NFP डेटा है। सो आइए देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज कल हो गया है और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 111.32। जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस है कि ये अभी आपका जो मेजर FOMC रेट डिसीशन है, कल BOE एंड परसों आपका NFP डेटा है और इंडियन कंट्रीज में RBI का पॉलिसी कल है, मींस स्पेशल मीट ऑन इन्फ्लेशन, तो वहां पे देखना पड़ेगा व्हाट सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स दे टेकिंग। तो अभी ये एट एनी कॉस्ट आपका स्विंग हाई जो है 114, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए और इसके लो को नीचे तोड़ देगा तो ये एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करेगा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्ट्रेंथ, मींस डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ और डॉलर इंडेक्स वीकनिंग। आई एम इन फेवर ऑफ ट्रेंडेड मूव। एक ट्रेंडेड मूव में ट्रेडर एज बीइंग ए ट्रेडर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छा मिलता है। डॉलर रुपी अभी है 82.71। कल एक स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्म हुआ है। अभी आप RSI टर्म्स में देखोगे तो ये RSI 60 पे रेजिस्ट कर रहा है। ये अगर रेजिस्ट करके नीचे के तरफ RSI टर्म्स में नीचे आ जाता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेंज शिफ्ट। इन सच ए केस रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो हॉल्ट हो जाएगा। सो आज कल और परसों फ्राइडे दिस 3 डेज आर वेरी क्रूशियल, वेदर रेंज शिफ्ट लेता है या नहीं लेता। GBP डॉलर कल एक स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है एंड हायर एंड पे रिजेक्शन हुआ है। अभी यहाँ पे एक बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। आज के FOMC के बाद ये क्या हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर हाई को ब्रेक करता है आज FOMC रेट के बाद या कल या परसों, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए गुड ट्रेंडेड अप मूव। GBP NIR में भी सिमिलरली यहाँ पे नीचे के लेवल पे बाउंस करने के बाद क्या ये हाई को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा इसको हमें देखना पड़ेगा। यूरो डॉलर पे सिमिलरली यहाँ पे बॉटम आउट करने का कोशिश कर रहा है। एट एनी कॉस्ट ये सेंटर बैंड को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन अगर साइडवेज चॉपी वॉलेटाइल अगर मूव करना है तो ये सेंटर बैंड को तोड़ के नीचे की तरफ जा सकता है। उसके बाद यूरो आयनर आप देखोगे, यूरो आयनर आपका सिमिलरली ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेके ये ऊपर जाना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है। डॉलर येन आप देखो, जैसे कि हमारा कल का या लास्ट वीक का एनालिसिस आप देखोगे जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि येन ये नीचे मारने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर सस्टेन करना नहीं चाहिए। टुडे एंड 4th of November बीइंग इंपॉर्टेंट डेज, तो उसमें भी ये हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाना नहीं चाहिए अगर इसको सॉफ्ट होना है। एक तो है कि हाई को ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए, दूसरा वाला है कि ये जो स्विंग लो है 27 अक्टूबर का लो है उसके नीचे जाना चाहिए आने वाले दिनों, तब जाके एक ट्रेंडेड डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नाइनर में हम देखेंगे ये 0.57 एंड 0.55 के बीच में ही रेंज में फंसा हुआ है। इसको अगर एक ट्रेंडेड मूव करना है तो आइदर इसके ऊपर जाना पड़ेगा, नेकलाइन के ऊपर 0.57 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा या नीचे 0.55 के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। डॉलर कैंडी आपका अभी 1.35 एंड 1.37 के बीच में अटका हुआ है। वी नीड टू वेट फॉर दिस इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, उसके बाद ही ये रेंज कौन से तरफ ब्रेकआउट करता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज में बेटर अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकता है। $80 में आप थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहे हैं, ये क्या इस एरिया पे सपोर्ट लेके हाई को तोड़े, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड ट्रेंड, हमें वो इंतजार रहेगा। CNH कल एक 7.3339 का हाई मार्केट लोअर क्लोज दिया है, आज थोड़ा सा सॉफ्ट होने का कोशिश कर रहा है, तो हमें आने वाले दिनों में देखना है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता है या नहीं। अगर ये आने वाले दिनों में
ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता है तो सॉफ्ट होगा, अब नहीं तो फिर दोबारा ये चैलेंज करेगा स्विंग हाई को तोड़ने के लिए। यूके ऑयल आज सुबह से अपवर्ड मूवमेंट हम एक देख रहे हैं बिकॉज देयर इज अ टेंशन विद सऊदी अरबिया एंड ईरान, उसके कारण से ये प्रेशर्स आ रहा है। यूएस 10-year ट्रेजरी कल एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे आज के रेट डिसीजन के बाद ये 31 अक्टूबर के हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देगा तो नीचे का जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा कम हो जाएगा। वेदर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगर लो को तोड़ता है, आपका 27 अक्टूबर का लो को तोड़ता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए ट्रेंड चेंज। इन केस ये ऊपर का जो अपवर्ड जर्नी है हॉल्ट हो जाएगा एंड ग्रेजुअली लोअर नीचे की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज कर सकता है। सो डेली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर दिस एनालिसिस। थैंक यू एंड गुड नाइट।